हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज का असाइनमेंट वर्कशीट 17 है, 22 मार्च का है, सोशल साइंस का है। तो आइए से स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट वर्कशीट 17 है। पहला क्वेश्चन आज का, क्लाइमेट क्या है? तो क्लाइमेट क्या होता है बच्चों? द क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो क्लाइमेट है ये कुछ वेदर कंडीशन का होता है जो कि वेरिएशंस में होता है एक लार्ज एरिया में बहुत लंबे समय तक। अब मौसिन राम कहाँ पे है? मौसिन राम इन मेघालय, मेघालय में है और ये जो है विंडवर्ड साइड ऑफ गारो खासी में जो है लोकेटेड है। ये गारो और खासी हिल्स में जो है लोकेटेड है आपका। अब थर्ड कि मौसिन राम में ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल क्यों होती है? सो इट रिसीव्स रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून विंड। ये हमारा साउथ वेस्ट मानसून विंड से रेन जो है मिलती है इसको, जिसकी वजह से बे ऑफ बंगाल से मिलता है और यहाँ पे रेन ज़्यादा होती है। तीसरा, हिमालयास क्या प्रभाव डालते हैं इंडियन क्लाइमेट में? तो द हिमालय प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हिमालय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। इंडिया जो है मानसून लैंड है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो है हिमालय है तो इस वजह से ये है। एंड ये जो है ये क्या करता है, ये ज़्यादा ठंडी हवाओं को आने से रोकता है और हमारा इंडिया का जो क्लाइमेट है मानसून क्लाइमेट वो भी इन्हीं की वजह से है। एंड इसी वजह से कई जगह पर बहुत ज़्यादा विंड होती है और कहीं पर कम होती है। सो चौथा है, आपको एक्सप्लेन करना है कुछ टर्म्स को। लू क्या होती है? तो लू इज़ अ हॉट डस्टी टाइप ऑफ विंड। ये गर्म हवाएं होती हैं जो कि आपके गर्मी के मौसम में चलती हैं। काल बैसाखी क्या है? ये कुछ वॉयलेंट थंडर स्टॉर्म होते हैं, कुछ आंधी होती हैं जो कि बहुत तेज होती हैं, गंगा के जो प्लेन्स है गंगा के तट है वहाँ पे आती है और इनको काल बैसाखी कहा जाता है। मैंगो शावर क्या है? मैंगो शावर्स ये प्री मानसून, मानसून से पहले आते हैं। कुछ शावर्स हैं जिनके दौरान जो है हमारे जो आम होते हैं पक जाते हैं। सो अब डिस्क्राइब करने हैं कोई पांच जो है कैरेक्टरिस्टिक हॉट वेदर सीजन के। सो आप लोग ये डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है यहाँ पे। सो ये मैं समझा नहीं रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लें, आपको समझ आ जाएगा। सिक्स क्वेश्चन, ये रीड करना है आपको। जो कोल्ड वेदर सीजन है ये मिड नवंबर से शुरू होता है एंड फेब्रवरी तक रहता है। जो टेम्परेचर है ये डिक्रीज होता है साउथ से लेके नॉर्थ। एंड जो एवरेज टेम्परेचर है चेन्नई का ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ये 24 से 25 डिग्री रहता है, वाइल इन द नॉर्दर्न प्लेन ये 10 से 15 रहता है। इस समय दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। जो एक फीचर है हमारा कोल्ड वेदर सीजन का ओवर द नॉर्दर्न प्लेन ये है कि ये जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज जो होती हैं उनको प्रिवेंट करता है। एंड ये जो है ये लो प्रेशर सिस्टम का जनरेट आपका करता है ओवर द मेडिटेरियन सी एंड वेस्टर्न एशिया। सो इससे आपको क्या होता है, ये जो है यहाँ पे बहुत विंड्स होती है, विंडी होती है एंड यहाँ पे स्नोफॉल भी हो जाती है माउंटेन में इस सीजन में। ऑल दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल, जो विंटर रेनफॉल होती है उसकी टोटल अमाउंट को महावत कहा जाता है लोकल वे में। एंड इन्हीं की वजह से कुछ क्रॉप्स उगती हैं रबी क्रॉप जो कि विंटर सीजन में आपकी आती हैं। अब क्वेश्चन, इन द कोल्ड वेदर सीजन ऑफ विंटर जो टेम्परेचर ही क्या होता है, इट डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि किरणें सूरज की जो है इक्वेटर की तरफ होती है, तो इक्वेटर हमारा होता है साउथ की तरफ है ना, इस तरफ ज़्यादा होगी। अब वहाँ पे पहुँचने में कम बहुत टाइम लगेगा, इसी वजह से जो नॉर्थ है आपका वहाँ पे जो है विंड कम रहती है। अब क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका, तो ये आप लोग लिख देंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये जो है ये लो प्रेशर एरिया जनरेट कर देते हैं एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब फिल इन द ब्लैंक्स, तो विंटर रेनफॉल इज लोकली कोल्ड महावत इज ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राबी क्रॉप्स। तो आप लोग इस तरह से इसको लिख देंगे। यहाँ पे वर्कशीट ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बच्चों बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।